का 19वां मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला गया। ये 19वां मुकाबला था जहां पर राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग को चुना, वहीं बैटिंग करने के लिए आरसीबी की तरफ से मैदान पर सबसे पहले उतरे फैब डुप्लेसी और विराट कोहली। इन दोनों की जोड़ी ने खूब समा बांधा। आपको बता दें जहाँ फैब डुप्लेसी ने 33 गेंदों पर 44 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने एक शानदार पारी खेलते हुए शतक जड़ दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली ने 72 गेंदों में 113 रन जड़ दिए, जिसमें से 12 चौके और 4 छक्के शामिल थे, और अंत तक विराट कोहली मैदान पर मौजूद रहे, यानी कि विराट कोहली नॉट आउट रहे। उसके बाद अगर बात की जाए फैब डुप्लेसी की, तो फैब डुप्लेसी 44 रन बना युजवेंद्र चहल की गेंद पर जॉस बटलर को कैच दे बैठे और पवेलियन वापस लौट गए। वहीं ग्रैंड मैक्सवेल की बात करें तो ग्रैंड मैक्सवेल 3 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सौरव चौहान की बात करें तो 6 गेंदों में 9 रन सौरव चौहान ने बनाए, और वो भी युजवेंद्र चहल की गेंद पर पवेलियन वापस लौट गए। कैरमन ग्रीन की बात करें तो कैरमन ग्रीन 6 गेंदों में 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और विराट कोहली की शानदार पारी के बदौलत आरसीबी ने 183 रनों का स्कोर आरसीबी के लिए खड़ा किया 3 विकेट गवाकर 20 ओवर के अंदर, और अब 184 रन जीत के लिए राजस्थान रॉयल्स को चाहिए। वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग क्रम की बात करें तो बॉलिंग में ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाए राजस्थान रॉयल्स। नरेंद्र बगर की बात करें तो नरेंद्र बगर ने 4 ओवर में 33 रन लुटाए ज़रूर, लेकिन 1 विकेट उनके खाते में रहा, और युजवेंद्र चहल काफ़ी किफ़ायती साबित हुए। 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट युजवेंद्र चहल के खाते में भी आया, लेकिन बात यहाँ पर विराट कोहली के शतक की जाएगी। ये आईपीएल 2024 का पहला शतक है जो विराट कोहली के बल्ले से निकला है, जहाँ पर विराट कोहली ने चौकों और छक्कों की बौछार लगा दी और 113 रन बनाकर नाबाद रहे। और विराट कोहली की शानदार पारी के बाद अब देखना ये होगा कि राजस्थान रॉयल्स क्या 184 रन का लक्ष्य बना पाती है या नहीं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।